أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. जी बेटा, 9th क्लास. कल हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेज नंबर 35, 36, 37 ये किए थे बेटा. और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फर्स्ट 18 एलिमेंट ये किए थे. इसके बाद बेटा हमने आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स है वो बच्चों हमने किए थे. ठीक है, इस आइसोटोप्स की एग्जांपल की थी. जो हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, क्लोरीन और यूरेनियम. और इसके बाद बच्चों हमने जो यूजेज ऑफ आइसोटोप्स पेज नंबर 40 पर जो यूजेज ऑफ आइसोटोप्स है वो हमने किए थे बच्चों. इसमें जो है ना यूजेज ऑफ आइसोटोप्स में कौन कौन से हमने किए थे. सबसे पहले ये रेडियोथेरेपी की थी, जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए थी. इसके बाद बेटा हमने क्राइसिस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, यानी डिफरेंट आइसोटोप्स है ठीक है, इनके डायग्नोसिस और उनके मेडिसिन ट्रीटमेंट यूज, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल फॉसिल फ्यूल्स जो डेड हो जाते हैं बच्चों, इनके जो है ना एज को एस्टीमेट करने के लिए. ठीक है, इनकी एज को एस्टीमेट करने के लिए जो है ना हमने ये क्या किया है, ये यूज करते हैं. इसी तरह फिर केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर रिएक्शन और एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ये कल इसके हमने जो है ना 5 बेटा क्या किए थे, यूजेस किए थे. यूनिट नंबर ये 2 हमारा मुकम्मल हो चुका था. अब आगे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज आ गए. आज हम करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और साथ बेटा एमसीक्यूज आप लोगों के सॉल्व हुए हुए हैं. एक बात सिर्फ आप लोगों ने मेरे साथ उनको रिव्यू करना है. अभी एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा, पेज नंबर है 42, पेज नंबर है बेटा 42. जी अब सबसे पहले एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. अभी हम पीछे पढ़ कर भी आए थे जब हमने चैप्टर शुरू किया था. एक हमने पढ़ा था बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और एक हमने पढ़ा था बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को हम बेटा क्या कहते थे, केनाल रेस. क्या होते थे बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, केनाल रेस. इसमें बेटा क्या आएगा, केनाल रेस आएगा. इसमें बच्चों बी ऑप्शन आ जाएगा. Which of the following results in the discovery of proton? तो क्या होगा बेटा इसमें, केनाल रेस. इसी तरह सेकंड में क्या कहते हैं, Which one of the following is most penetrating? इनमें से कौन सा बहुत ज्यादा पेनिट्रेट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल. बेटा हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, करैक्टरिस्टिक्स करी थी तीनों की, तो हमें न्यूट्रॉन का पता चला था कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट पेनिट्रेट होते हैं. सबसे ज़्यादा कौन से पेनिट्रेट होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, न्यूट्रॉन बच्चों. अब इसी के बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन में कहता है, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय, जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था वो किसने दिया था. तो सिंपल है, ऑर्बिट हमने जब लास्ट टाइम लेक्चर में सीखा भी था तो बोहर ने बेटा दिया था. जो ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है बच्चों वो किसने दिया था, बोहर ने. इसी तरह फिर बेटा कह देते हैं, व्हेन व्हिच, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल. वो शेल का नाम बताएं जिसमें बच्चों क्या होते हैं, 3 सब शेल होते हैं. बेटा इसमें आपके पास आ जाएगा एल शेल, आपके पास बच्चों क्या जाएगा, एम शेल आ जाएगा इसके अंदर बच्चों आप लोगों के पास. एम शेल में क्या होते हैं, 3 सब शेल होते हैं. एम शेल में कितने होते सब शेल होते हैं बच्चों, 3 होते हैं. ये पेज नंबर 35 पर जब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी शेल और सब शेल की, तो वहाँ भी हमने ये डिटेल से सीखा था. तो जो एम शेल होते हैं उसमें 3 शेल होते हैं. उसमें कौन से 3 शेल होते हैं,
एक एस होता है, एक पी होता है और दूसरा घटक होता है डी होता है। ये तीन उसमें बच्चों क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, विच रेडियो एक्सोटोप यूज डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। ये उस आइसोटोप्स का नाम बताएं जो डायग्नोसिस करते हैं ना ट्यूमर के, उसकी बात ट्यूमर के लिए बेटा। ये बेटा आयोडीन 131, इसमें बेटा क्या आएगा, आयोडीन 131 यानी बी पार्ट से बच्चों। अब नेक्स्ट बेटा कहते हैं द पी सब शेल हैज, जो पी है वो सब शेल है बेटा, वन ऑर्बिटल्स, टू ऑर्बिटल्स या फिर थ्री ऑर्बिटल। देखिए बेटा हमारे पास क्या होते हैं, थ्री ऑर्बिटल्स, जो पी सब शेल होते हैं ना वो बेटा क्या होते हैं, थ्री ऑर्बिटल्स के बेटा होते हैं। इसी तरह फिर बेटा कहते हैं डिटरमाइन डिटोरियम इज यूज टू मेक, ये आइसोटोप्स है जो हमने आइसोटोप सीखा था, प्रोटीनियम ड्यूटेरियम ट्राइटेनियम, ये बेटा क्या है, आइसोटोप्स है। क्या कहते हैं, जो डिटोरियम है कहते हैं यूज टू, तो क्या होता है बेटा यूज टू, किस लिए, लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ये बेटा कहते जो डिटोरियम है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये बेटा ये हैवी वाटर के लिए यूज होता है, जो वाटर हैवी होता है ना बच्चों उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाटर है हैवी हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाते हैं दोनों बच्चों। ये सेकेंड आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह फिर बच्चों फिर कहते हैं द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ, जो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है उसमें कितनी अबंडेंस होती है बेटा कार्बन की, ये बेटा हमारे पास आएगा 98.9% 98.9। इसमें इसका आंसर नहीं है, आपने इसमें सिर्फ ये लिखना है नन ऑफ दीज, लेकिन आंसर कहीं बुक पर लिख ले, द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 98.9 बच्चों, लेकिन इनमें ऑप्शन नहीं है तो आप लिखेंगे नन ऑफ दीज, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ऑप्शन बता दिया बच्चों ताकि आप लोगों को ये याद रहे। अच्छा जी, अब लास्ट टाइम से जो साथ साथ रिव्यू करते रहे ठीक है, कि जो आप लोगों ने निशान लगाए हुए हैं पहले आया कि यही है, ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास मिस हुए तो वो दोबारा से बेटा उनको निशान लगाता रहे। तो हु डिस्कवर द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है वो किसने बच्चों डिस्कवर किए, गोल्डस्टाइन, जे जे थॉमसन, नील बोहर और फिर क्या कहता है बच्चों रदरफोर्ड। तो बेटा देखिए गोल्ड स्टान था केनालरीज, केनालरीज किसने की थी, ये बेटा गोल्ड स्टाइन ने की, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा फर्स्ट में बच्चों, गोल्ड स्टाइन आ जाएगा, हु डिस्कवर द प्रोटॉन, क्या कहेंगे, गोल्ड स्टाइन डिस्कवर द प्रोटॉन, जो गोल्ड स्टाइन है तो उसने बेटा क्या किए डिस्कवर किए। जी अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वन बाय वन जो है ना मैं आप लोगों को बेटा रिव्यू करवाता रहता हूँ। सबसे पहले कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, के बेटा जो कैथोड रेज पे चार्ज होता है उसकी क्या बताएं नेचर बताएं। पेज नंबर 42 है बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 42, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम बेटा क्या करेंगे इनको रिव्यू करते रहेंगे। पता है कि जो कैथोड रेज है उस पर बेटा आप बताए किस टाइप का जो है ना चार्ज होता है बच्चों, कहते हैं कि ये आप बताएं, तो इसका बेटा आंसर है
The nature of cathode rays charge is negative. क्योंकि हमने सिंपल पढ़ा था ना कि कैथोड रेज पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इसके तरह कितना बता सकते हैं, द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज इज नेगेटिव। बेटा इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। जी बेटा हम कर चुके हैं, कहते हैं कि कैथोड रेज की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। जब हमने डिस्कवरी पढ़ी थी ना बच्चों, तो डिस्कवरी के साथ ही हमने ये की थी। जब हमने डिस्कवरी पढ़ी थी तो डिस्कवरी के साथ ही बच्चों हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये वह 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की क्या बतानी है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। पीछे बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं शुरू में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बच्चों क्या बात करते हैं, द एटॉमिक सिंबल ऑफ द फास्फोरस एज गिवन 3115 ऊपर 3 माइनस। तो कहते हैं हाउ मैनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो कितना सिंपल हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था जो नीचे लिखे होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन बताएं, प्रोटॉन बताएं, तो फिर क्या बताएं, न्यूट्रॉन बताएं। पहले तो ये बात सीखे जो ऊपर 31 लिखे हैं वो न्यूट्रॉन है जिन्हें हम एटॉमिक, ठीक है, और नीचे जो लिखे हुए हैं वो बेटा प्रोटॉन है। ऊपर न्यूट्रॉन एटॉमिक मास है, तमाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो 3 माइनस लिखा हुआ है ना बच्चों, ये क्या है, ये इसके इसमें जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ये वो है, इसमें क्या करते हैं ये जो फास्फोरस होती है इसका चार्ज है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन कर देती है बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस 3। जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं उनके ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, चार्ज माइनस 3 हो जाता है, ठीक है। और जो लॉस करती हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो फास्फोरस 3 इसलिए लिखा हुआ है कि बेटा इसके ऊपर कितना है इसका चार्ज, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, तो इसके ऊपर चार्ज अगर जो कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो अब ये कहते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, कासिम ठीक है मैं आपकी बात बाद में सुन लेता हूँ बेटा, एक एक्सरसाइज करते रहते, ठीक है मुझे पता चल गया आपका क्वेश्चन बेटा जी। अब क्या कहते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, और फिर कहते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बच्चे, 15, ठीक है। अब जाहिर बात है इसमें ये चार्ज है इसका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करेंगे 15 + 3। तो बेटा प्रोटॉन में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एटॉमिक नंबर ही बनता है ना, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 18 इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा बेटा, हमने 31 में से माइनस 15 करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन इसके बाद कहते जी व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन। बेटा इसको फास्फोर्स नहीं करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे हम फास्फोहाइड आयन, जो P3- है इसको हम पढ़ेंगे फास्फोर आयन बेटा। हम कहते हैं ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखें इसमें 18 है बेटा, तो K शेल में 2, N शेल में 8 और M शेल में भी बच्चे इसमें क्या आ जाएंगे, 8 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में बच्चों कितने आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएंगे। ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
डी पार्ट में पूछता है, नेम द नोबल गैस विच हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द फास्फोर आयन हैज। मैं तो ये कहता है कि नोबल गैस के जो है ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, ठीक है, जो बिल्कुल सेम फास्फोर्स के साथ उसकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो बताइए ये होती है ऑर्गन। कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों? ये होता है ऑर्गन एलिमेंट, ठीक है। इसकी क्या होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिमिलर होती है इससे बेटा, इसकी जो सिमिलर होती है वो हेलोजन जिनका आते हैं नोबल गैसेस, वो कौन सी है बच्चे इसमें, वो है ये क्या कहते हैं इसको ऑर्गन। ऑर्गन में बच्चों क्या होती है इसकी सिमिलर। तो अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। ये क्वेश्चन भी बच्चों हमने किया हुआ है, ये आप लोग कहते जी शेल और सब शेल में डिफरेंस करें बेटा, शेल और सब शेल में क्या करें डिफरेंस करें। ये पीछे बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। एन एलिमेंट है जो कॉमिक नंबर 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ए एल एम एन एम शेल। ये देखें अब इसका कॉमिक नंबर 17 है, कहते इसकी बताते हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन की क्वेश्चन करें कि के शेल में कितने हैं, एल शेल में कितने हैं और एम शेल में कितने बच्चे। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के में बता 2 लिखेंगे, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कहते हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बेटा इसमें बेटा हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम में, ठीक है। तो क्या हो गए, तो प्लस 3 लिखा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो बाकी हमारे पास बचते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसमें बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, के शेल में 2 और एफ शेल में 8 आ जाते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमारे पास 2 8 2। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो बेटा इसमें आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इन विच ऑफ शेल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम प्रेजेंट एस सब शेल होता है और उसमें 3rd बेटा शेल होता है एम शेल जिसे हम कहते हैं। भाई मैग्नीशियम टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, इसीलिए बेटा ये क्या करती है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। अच्छा आगे वही क्वेश्चन है जो पहले हम कर चुके हैं बेटा, ठीक है। बोहर के एटॉमिक मॉडल से यूजेज ऑफ आइसोटोप्स क्वेश्चन नंबर 9, यूरेनियम किस पर्पज के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कल ही किया था, गोएटर के पेशेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं आयोडीन 131 बेटा आइसोटोप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ठीक है बेटा ये भी हमने किया। डिफेक्ट्स रदरफोर्ड के, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने शुरू में जब ये टॉपिक किया उसके साथ बेटा ये हमने किया था। इसी तरह फिर बेटा हमें कहते हैं कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इमिट ऑर्बिट इट इज डज नॉट इमिट आवर रेडिएट एनर्जी। ये जो पॉजिटिव डेट्स है बोहर एटॉमिक मॉडल का, लैंडर इट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, जी इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी चेंज इन V2-E1 व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। बेटा ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी क्या करता है, जब ये हायर से लोअर की तरफ बेटा चला जाता है। इसी तरह फिर इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है when it jumps from lower energy level to higher energy level, यानी दोनों different condition है कि जब ये higher energy से lower की जानिब जाएगा तो electron emits करते हैं, और जब बच्चों ये lower से higher की तरफ जाएगा तब energy क्या करते हैं, ये absorb कर लेते हैं। तो जहाँ तक बेटा जो है ना हमारे ये क्या हो गए क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों को कॉपियों के बेटा करवाए हुए हैं, वहाँ से बेटा उनको जो है ना रिव्यू कीजिएगा।
सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने रजिस्टर पर किए हुए हैं कॉपी का, ठीक है, जो पीछे हम बांग में पढ़ कर आए हुए। तो आप लोगों की जो डायरी है वो डायरी मैं सर को सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी बच्चों। तो आप लोगों का जो है ना काम चेक होगा, आज बेटा क्या है, वेडनेसडे ट्यूजडे है, इंशाल्लाह आप लोगों की जो काम चेक होगा ना वो मैं थर्सडे को करूंगा, आप लोगों की काफी चेक। तो ये मैं लिखने का काम देता हूँ शीट्स पर, उसको लिखते रहे। तो परसों जो है ना आप लोगों का वन बाई वन, इधर से मैं कैमरा ऑन कर लूँगा आप लोग का, आप लोग अपना मुझे कैमरा ऑन कर मुझे जो है ना रजिस्टर या शीट्स चेक करवाएंगे जहाँ पर आप लोगों ने काम किया होगा। तो ठीक है बच्चों, आप मुझे जो है ना वो अपना काम चेक करवाएंगे। तो आज की डायरी पर है आप लोगों को सेंड कर दो। जी टाइम पूरा हो गया नेक्स्ट क्लास का, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर बेटा अब मेरी नेक्स्ट क्लास में 9 पूरे हो गए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी 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 बोले मोहम्मद मार खान। सर जी, ये आप काम किस दिन चेक करेंगे जो देते हैं? नहीं, थर्सडे वाले दिन बच्चे, थर्सडे वाले। और सर जी कल स्कूल आना? कल किस लिए सर ने बोले? सर जी नहीं 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 तो जब जब सर का मैसेज आएगा ग्रुप में फिर बच्चों आने, ठीक है ठीक है। ओके ओके।